नमस्कार, कसम संविधान की में आपका स्वागत है। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूँ दीपक चौरसिया। कल तक महाराष्ट्र में जिस परिवार के नाम की तूती बोलती थी, जिसके नाम से महाराष्ट्र की पहचान थी, आज उसी राज्य में उनके हाथ से सरकार चली गई और वो देखते ही रह गए। हालत ये है कि अब उद्धव ठाकरे को अपने परिवार और शिवसेना की एक एक विरासत को पाने और बचाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। कल उनकी उम्मीद का आखिरी दिन है, क्योंकि कल दोपहर 3:30 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसके बाद ये पूरी तरह से तय हो जाएगा कि उद्धव परिवार के पास सिर्फ नाम बचेगा या फिर निशान या फिर दोनों या फिर पार्टी की संपत्ति और पार्टी में कद और पद भी वो बचा पाएंगे। पहले चुनाव आयोग से शिंदे गुट को शिवसेना का मुख्य निशान तीर कमान मिला था। उसके बाद सोमवार यानी कल महाराष्ट्र विधान भवन में उन्होंने शिवसेना को अलॉट उसके कमरे पर अपना कब्जा ले लिया। अब शिवसेना शिंदे गुट ही शिवसेना है, इसीलिए मैं उसे शिवसेना नाम से पुकारूंगा। आज संसद में शिवसेना का आधिकारिक दफ्तर भी एकनाथ शिंदे वाले गुट को सौंप दिया गया, जो असली शिवसेना है। 13 सांसद भी शिंदे गुट के साथ चले गए हैं और 2 के हाल फिलहाल में जुड़ने की संभावना है। खबर है कि शिंदे गुट पार्टी के करोड़ों रुपए के फंड, महाराष्ट्र में शिवसेना के सैकड़ों दफ्तर, तमाम जगहों पर फैली संपत्ति और शिवसेना के मुखपत्र सामना पर आगे की क्या रणनीति अपनाता है, क्या इसे लेना है या नहीं लेना है, इसी को लेकर इस समय शिंदे गुट की कार्यकारिणी यानी शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने परिवार के नाम को लेकर ही कोर्ट में अपना दुखड़ा रोएंगे, ऐसी उम्मीद है। सवाल ये भी है कि अब उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प है। दफ्तर और निशान तो छीन चुके हैं, क्या बचेगी सियासी पहचान। और इन सबसे भी बड़ा सवाल ये कि कल सुप्रीम कोर्ट में आखिर किसकी बनेगी बात और किसके टूटेंगे जज्बात। आज सभी बातों पर बहस करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस बहस की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए क्योंकि कल यानी 22 फरवरी को ठाकरे परिवार की सुप्रीम कोर्ट पर आखिरी उम्मीद टिकी है, क्योंकि चुनाव आयोग उनके खिलाफ फैसला दे चुका है, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। कल तक महाराष्ट्र के नाम से पहचान थी, आज उन पर अपनी पहचान बचाने का संकट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ सरनेम बचा है। क्या उसी के सहारे अपनी पार्टी शिवसेना को पुराना वैभव और पुराना रुतबा दिला पाएंगे। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। जिन लोगों को हमने अपना माना, उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करें। आत्मचिंतन करो, ये नौबत क्यों आई है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्मान तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को, बाला साहब के विचार और ये धनुष्मान ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए मार्गदर्शक है, एक आशा का किरण है, इस देश में हमें विश्वास है हमें न्याय मिलेगा। Sanjay Raut is such a person who sleeps in the night. He has some dreams, and whatever he sees in the dreams, he talks to the press. Mr. India, अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। शिवसेना जो भवन है ना, ये हमारे पुराने जो नेता थे, ये नेतागणों ने सब ने मिला के ये बनाया है, इसलिए हम उसको मंदिर का दर्जा देते हैं। हमारे जो भगवान का मंदिर है, हम उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। जो जो लोग इसको प्रॉपर्टी समझते हैं, उन्होंने कब्जा किया, वो उनकी बात है। आपण जे म्हणालात की त्यांनी शिवसेना नाव होतं तरी ठाकरे नाव नाही ठेवू शकत, त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, शेकड़ो हजारो नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, सब चोर है। और वो क्या है, उस
सब एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट हो या जो असली शिवसेना बन गई है एकनाथ शिंदे की गुट वाली, उसका पूरा का पूरा फ्रैक्शन हो। हालांकि एक बड़ी बात कही है, उनका कहना है कि शिवसेना भवन जो है दादर में उस पर वो दावा नहीं ठोकेंगे। लेकिन सिर्फ शिवसेना भवन ही नहीं है दादर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हर जगह पार्टी के छोटे बड़े दफ्तर हैं। उनका क्या आधिकारिक शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली शिवसेना उसे चाहेगी? पार्टी के करोड़ों में बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो भी होंगे क्या? शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट इसको चाहेगा क्या? लोकसभा और विधानसभा के दफ्तर तो उनको मिल गए हैं। शिवसेना ने भी कहा कि भाई ये सरकारी दफ्तर से गए तो जाने दो, वो उस पर झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट और शिवसेना भवन का क्या, महाराष्ट्र के बाकी भवनों का क्या? इस वक्त जो है इसी पर हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन चोरी कर रहा है और चोरी का आरोप लगाने वाले क्या कह रहे हैं। क्या उनका पूरा का पूरी शिवसेना जिसको अब अधिकृत का दर्जा दिया गया है वो चोर है? ये सवाल एकनाथ शिंदे उठा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे जी जुड़ेंगे, मेरे साथ आनंद दुबे जी जुड़ेंगे जो उद्धव गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरे साथ परमेश्वर कदम जी जुड़ेंगे जो शिवसेना से हैं यानी एकनाथ शिंदे जी के समर्थक हैं, मेरे साथ महेश चावन जुड़ेंगे जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ राहुल लोंढे जी जुड़ेंगे जो कि शिवसेना से हैं यानी एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं, और मेरे साथ जो है हमारे तमाम दर्शक तो जुड़े हुए हैं ही, आपके प्यार से ही हमारा शो चलता है कसम संविधान की। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कार्यकारिणी का एजेंडा क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर के पास। अंकुर, शिवसेना भवन के मामले में तो क्लैरिटी है, लेकिन शाखाओं का क्या होगा, उन भवनों का क्या होगा जो महाराष्ट्र में कई जगहों पर फैले हुए हैं, सामना का क्या होगा, क्या होगा अन्य उन चीजों का जिसकी वैधानिक मिल्कियत शिवसेना के पास है, क्या करेगा एकनाथ शिंदे का शिवसेना, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उसका क्या क्लेम करेगी? देखिए फिलहाल इसी के ऊपर क्लियरिटी बहुत ज्यादा हद तक नहीं है, क्योंकि अभी चूंकि मामला अभी सिंक हो रहा है दोनों ही पक्षों को, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो जिनको अब ऑफिशियल तौर पे शिवसेना का चुनाव चिन्ह और उनका साथ साथ में नाम मिल गया है, और साथ में उद्धव ठाकरे को। लेकिन जिस तरीके से कल पुणे में जब पत्रकारों से बात कर रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने अपनी तरफ तौर से साफ तौर पर कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उसके असली वालिस हम हैं और हम उन्हीं के साथ खुश हैं, हमें संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमें लालच नहीं है। जिनको लालच था साल 2019 में उन्होंने अपनी राहें बदल दी और वो गलत राह पे चले गए, ऐसा उनका अभी तक का जो स्टैंड है मैं उसको लेके बात कर रहा हूं। जाहिर तौर पर जो बात हो रही थी जब उनसे सवाल किया गया था वो उस परिप्रेक्ष्य में सवाल किया गया था कि सेना भवन पर वो क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे या फंड का क्या होगा इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन इसके अलावा जैसे बात जब वैधानिक शब्द जुड़ जाता है तो उसके मायने बहुत हद तक बदल जाते हैं। जिस पार्टी को आधिकारिक तौर पर जो चुनाव चिन्ह मिला हो और नाम मिला हो उसकी जो संपत्ति है उसके नाम पर जो संपत्ति है पार्टी पे उसका आखिरकार क्या होगा, माइक्रो मैकेनिज्म क्या होगा कि कैसे वो जाएगा, तो ये तमाम चीजें होंगी जिसके ऊपर मेरे को लगता है आने वाले थोड़ा सा वक्त और लगेगा जिसके ऊपर क्लैरिटी आती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मुंबई में इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक हो रही है, शिवसेना उस शिवसेना की जिसके जो इस वक्त मुखिया हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। आपको याद होगा जून 2022 में ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद से लेके अब तक बहुत चीजों में उठा पटक हुआ, और अब फाइनली जो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है वो शिवसेना ऑफिशियल तौर पर बुलाया है एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि अब उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, उनको आधिकारिक तौर पर पार्टी का नाम मिल गया है। ये जानना चाहूंगा ये बैठक कहां पर चल रही है, क्योंकि ज्यादातर शिवसेना की जो ऑफिशियल मीटिंग होती है लोग सेना भवन को याद करते थे दादर वाले, जहां पे एक शेर भी लगा हुआ है और बाला साहब का जो है वो तस्वीर भी। देखिए वक्त बदल गया है तो अब जो जगह है वो भी अब यहाँ पर बदल गई है। ये मीटिंग इस वक्त किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं चल रही, एक 5-स्टार होटल है दक्षिणी मुंबई साउथ मुंबई में कफ परेड में, वहां पर इस मीटिंग को बुलाया गया है। अभी आधिकारिक तौर पर शिवसेना मैं कहूँ चूंकि एकनाथ शिंदे को नाम मिल गया है तो उनके पास अभी अपना कोई ऑफिशियल दफ्तर तो नहीं है, टाउन में जरूर उनका एक ऑफिस है जिसको हम चर्चगेट का इलाका कहते हैं, लेकिन जैसा सेना भवन जैसा बड़ा
एक ऐसी जगह जहां पे तमाम शिवसेना के पदाधिकारी, नेता, एमपी, एमपी, एमएलए, तमाम लोग इकट्ठा होकर एक जो पार्टी क्या करते थे वो उसके होने के लिए उसका जगह बहुत छोटी हो जाती है। यही वजह है कि इसको एक फाइव स्टार होटल में रखा गया है, लेकिन इसके बाद इन चीज़ों पर भी क्लियरिटी आएगी कि कैसे ये आगे बढ़ने वाले हैं। एक खबर हमने जो सुनी थी वो दादर में शिवसेना भवन के पास ही एक और जगह है जिसको अपना अपना शिवसेना भवन एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं, हालांकि अभी तक वो मूर्त रूप में उभर कर निकल कर सामने नहीं आया है। मैं आपसे मीटिंग के बारे में एक बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा। साल 1999 में ये वो वक्त था तब बाला साहब ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी और तब जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए एमपी हैं, उन सभी को अपनी बात कहने का, खुलकर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया गया था। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जब बाला साहब नहीं रहते हैं और जो कमान है वो उद्धव ठाकरे जी के पास आ जाती है, साल 2018 की मैं बात करूंगा, तब उद्धव ठाकरे ने ये जो पूरी परंपरा चल रही थी उसको रोक दिया था, हालांकि पार्टी की पूरी कमान उन्हीं के हाथ में थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। आज जो होने वाला है वो हमें ये पता, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 2018 में जो कार्यकारिणी का जो प्रारूप तैयार किया था उद्धव ठाकरे ने, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और नए सिरे से पूरी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसमें नेता, उपनेता, सचिव, सचिवनेस, ये तमाम जितने पद हैं उनको आज नियुक्त किया जाना है। ठीक है अंकुर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपसे फिर अपडेट हर लेंगे हम। 8:30 बजे एक बार फिर आएंगे हम आपके पास, कुछ नई ताजी हो तो हमें सुनाइएगा। मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक चले गए, कुछ और जाने वाले हैं, 50 हो जाएंगे ये कहा जा रहा है, 55 में से 50 चले गए आपके, जो है 13 सांसद चले गए, दो और जाने वाले हैं, नाम भी बता सकता हूँ, आप इसको चोरी कैसे कह सकते हैं? ये तो आपके खिलाफ बगावत हुई, ये शब्द सही होगा ना? दीपक जी नमस्कार। दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का कि जिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम हमेशा बाला साहब ठाकरे जी को याद करते थे, आज उन्हें सब लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। हम लोग आज भी अपने भाषण को शुरू करते हैं, नहीं तो एकनाथ शिंदे वही कह रहे हैं कि मैंने तो बाला साहब ठाकरे का जो सब कुछ छीन लिया था वो वापस आया। पहले बोलने दीजिए, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं। जब भाषण देते हैं तो हम यही कहते हैं शिवसेना पक्ष प्रमुख श्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उसके बाद में हम उद्धव ठाकरे जी का नाम लेते हैं और आज उस पार्टी के आगे एकनाथ शिंदे जी का नाम लगने लगा, तो यही लोकतंत्र की हत्या के समान है। 2003 में आपको याद होगा दीपक भाई कि उद्धव ठाकरे जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था महाबलेश्वर। उसके बाद 2012 में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क पर कहा था, जैसे मुझे संभाले हो मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, वैसे ही मेरे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संभालना, अब ये बागडोर इन लोगों के हाथों में मैं दे रहा हूं। उसको बखूबी उद्धव जी ने निभाया, समय समय पे इंटरनल चुनाव होते रहे, सर्वसम्मति से लोग उनको नेता मानते रहे। जो आज बाहर निकले हैं, जब 2019 में सरकार बनी थी तो सबसे पहले शपथ लेने वाले में यही एकनाथ शिंदे जी थे और 2.5 वर्षों तक इन्होंने सत्ता का सुख भोगा। तब इन्हें समझ में नहीं आया था कि उद्धव ठाकरे जी के अंदर नेतृत्व नहीं है, उद्धव ठाकरे जी ने विचारधारा छोड़ दी है। खैर ये लंबी बहस होगी, मैं तर्क पे बात करता हूं। ये जो 40 इधर और 13 इधर जो गए हैं, ये मैं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर हमारी पार्टी के पूरी पार्टी को और हमारे नेताओं को किडनैप करने का काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो गए हैं, तो एफआईआर लिखवाइए ना, आपने लिखाइए। मैं बता रहा हूँ दीपक जी, मैं बता रहा हूँ शब्दों का इस्तेमाल वो करें, आनंद भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं वही कह रहा हूँ इस्तेमाल करें जो वाकई हमारे नेताओं को हमारे कार्यकर्ताओं को अपहरण करने का इन्होंने काम किया है। क्योंकि जब चुनाव आयोग पे बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इन्होंने जो पहली चालाकी की वो अंधेरी उपचुनाव को लेकर की। इन्होंने कहा कि इनका जो तीर धनुष और इनकी जो पार्टी का नाम है वो इन्हें न दिया जाए क्योंकि हमें भी चुनाव लड़ना है, मामला इस समय कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, चुनाव आयोग ने कहा कोई बात नहीं, तीर धनुष हमसे ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया, हमें नया नाम दिया और हमें नया चुनाव चिन्ह दिया। अंत में समझ में आया कि ये तो चुनाव ही नहीं लड़े और इनकी सहयोगी जो महाशक्ति है वो तो चुनाव से ही दूर हो गए, तो ये पहला षड्यंत्र था चुनाव आयोग का। अब दूसरा चुनाव आयोग का षड्यंत्र देखिए, इन्होंने हमसे कागज पत्र मंगाए, प्रतिज्ञा पत्र मंगाए, शपथ पत्र मंगाए और अंत में फैसला इस आधार पे दिया कि वोटों की गिनती में एकनाथ शिंदे की टीम का पलड़ा भारी है। अगर एकनाथ शिंदे जी के टीम की पलड़ा भारी है तो इतना रियल क्यों? आनंद जी, अनलिमिटेड स्पेस थोड़ी होना होता है ना, प्लीज समझिए ना।
अब मैंने आपको टोका नहीं, रोका नहीं, तो आप बोल ही जा रहे हैं। बाकी परमेश्वर भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रेम शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं, और मैंने सबसे पहला मौका आपको दिया है, तो सम्मान कीजिए थोड़ा इसका। अब आपने कह दिया ना, जितना मन में भड़ास थी निकाल दी, तो मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ए क्या 40 लोगों का किडनैप किया? और आनंद दुबे जी, इस सवाल का जवाब सोच के रखिएगा कि 40 विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं, 10 और जुड़ने वाले हैं, और 13 सांसद, क्या उन्होंने आपके पक्ष में शपथ पत्र चुनाव आयोग में दिया था? इसका जवाब सोचिएगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे आनंद जी के आरोपों पर, आपने किडनैप करवाया एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर इनके एमएलए और एमपीज को? दीपक जी, आपने खुद ही प्रयोग कर दिया शब्द भड़ास। तो जब किसी की बौखलाहट हो, भड़ास हो, हताशा हो, कुंठा हो, तो ऐसे कुंठित व्यक्ति के बयान को कितनी गंभीरता से लेना, यह दर्शक स्वयं निर्णय ले लेंगे। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि क्या निर्वाचन आयोग, क्या जो है विधानमंडल का जो सचिवालय है, क्या राजभवन, क्या संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये सारे क्या भारत के संविधान को नहीं जानते हैं? संसदीय परंपरा को नहीं जानते हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को नहीं जानते हैं? सारा ज्ञान जो है वो सिर्फ आदरणीय उद्धव ठाकरे और उनके जो चंद बचे हुए नेता हैं उन्हीं के पास है क्या? तो ऐसा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। इस देश के विधायकों और सांसदों के लिए जो नियम है उनके अनुकूल चलेगा। अगर 55 में से 40 विधायक आपके विरोध में बिगुल बजाकर, जब आपके विरुद्ध बगावत का बिगुल एकनाथ शिंदे ने बजाया, तो जो लोग श्रीमान एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव जी की तरफ से जा रहे थे, अगर वही लोग कालांतर में एकनाथ शिंदे के पाले में बैठ जाएं और उसके लिए तर्क दें, तो उसको क्या स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? और 55 में से 40 एमएलए का विधायक दल अगर ये कह दे कि हमारा विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे हैं, जो शेष जो आपने जो बचे हुए विधायक हैं, जो पार्टी के विधायक दल के नेता को अस्वीकार कर रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो ये संविधान सम्मत मांग है कि नहीं है? दीपक जी, आप ही बताइए मुझे, किसी भी विधायक दल का, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल हो, कांग्रेस का विधायक दल हो, शिवसेना का विधायक दल हो, लोकतंत्र में आप बहुमत के महत्व को ही समाप्त कर देंगे, लोकतंत्र में आप अल्पमत को महत्वपूर्ण मान लेंगे, ये नई व्यवस्था क्या लोकतांत्रिक इतिहास में लिखी जाएगी या मानी जाएगी? तो ये संभव नहीं है। ठीक है, और अब जो एफिडेविट की बात, संगठन की जो बार बार बात, एक 10 सेकंड और दे दीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। जो आनंद दुबे जी बार बार संगठन की बात कर रहे हैं, देखिए, जो विधायक या सांसद जो जनता के बीच से निर्वाचित होकर गए हैं, उस निर्वाचन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण स्वयं निर्वाचन आयोग ने किया है, किसको कितने मत मिले हैं उसकी संख्या उसके पास निर्धारित है। अब आप पदाधिकारियों की जब बात करते हैं, पदाधिकारियों में बाकायदा अंधेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है कि शिवसेना उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे की तरफ से बहुत सारे फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, जिसकी क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग तक गई। तो एक फर्जी वाड़े को स्वीकारा जाए, या जो सामने ऑथेंटिक एविडेंस है उसको स्वीकारा जाए, तो उसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने जो स्वीकारा जाना चाहिए, जो नियम सम्मत है, जो कानून सम्मत है, जो संविधान सम्मत है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के जो उसकी अधिनियम की जो नियमावली है उसके जो अनुकूल है, उसके तहत फैसला दिया। अब उसके आधार पर आप निर्वाचन आयोग को गाली देंगे? मैं इस पर आऊंगा आनंद दुबे जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी अभी इंतजार कर रही है। मैं सीधे अतुल लोंडे जी के पास जाऊंगा। अतुल लोंडे जी, संजय राउत जी ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ में नाम और निशान का सौदा हुआ है, क्या सबूत? संजय राउत जी देंगे सबूत इसके? आप लोग देंगे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ये डिस्कशन हो रहा है 2000 करोड़। देखिए, ऐसा 50 खोके एकदम ओके की बात हुई थी, और वक्त रहते, समय गुजरते, रवि राणा ने बच्चू कड़ू पे आरोप कर दिए थे। जो बच्चू कड़ू अपक्ष है, उनके अपने खुद के दल है, और वो मंत्री थे, वो भी चले गए थे, 3 अपक्ष भी चले गए थे, तो उन्होंने एक दूसरे पे आरोप किया, फिर उनको रोकना पड़ा, नहीं नहीं ऐसा मत करो, गलत संदेश जा रहा है। तो 50 खोके एकदम ओके जैसा इस्टेब्लिश हुआ है,
तो ये भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो बात निकल के आई जाएगी, जो सबूत है उन्होंने कहा है तो वो दे ही देंगे। लेकिन मेरे दो तीन सवाल है। जो चुनाव आयोग ने किया ठीक है, आयोग है अपना, एक ऑटोनॉमी है उनकी, लेकिन मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, जब ये चुनाव हुए थे 2019 के, जिसकी ये बात करते, किसके नेतृत्व में हुए थे, किसने वेब डिसाइड किया था, पार्टी छोड़कर कौन गया था, सूरत गुवाहाटी गोवा कौन गया था, क्या उद्धव वाला गुट गया था या ये गए थे, और साथ में ईडी की नोटिसेस किस किस को मिली थी, ईडी ने किस किस की इंक्वायरी की थी, वो तो सारे सबूत तो किरीट सोमैया जी ने सामने रखे थे, भावना गवली जी के ऊपर 100 करोड़ प्रताप सरनाई के ऊपर, और यशवंत जाधव यामिनी जाधव के ऊपर तो अनगिनत पैसों का आरोप लगाया था, जिसके ऊपर इनकम टैक्स ने रेड भी कर दी थी। अब ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद उनकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है, प्रताप सरनाई कहते हैं कि मेरी इंक्वायरी खत्म हो गई, मेरे यहां कुछ नहीं निकला, भावना गवली तो सीधा लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री जी के घर में प्रकट होती है, राखी पहनाते हुए देश के प्रधानमंत्री को, एक गुनहगार जिसके ऊपर आरोप आपके एक जिम्मेदार नेता ने किया था, इन्हीं गुनहगार के साथ तो सरकार बनाई थी आपने, भावना गवली उस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ थी, अगर वो गुनहगार थी तो अतुल भाई सरकार क्यों, मतलब आप भी गुनहगारों के साथ कुर्सी के चक्कर में सरकार बना लेते हैं, ये मानू मैं? नहीं नहीं बात तो सुनो, आपकी दलील है आपने दे दी, अब मेरी भी तो सुनो ना, मैं सबको दे रहा हूँ, हनुमान दुबे जी को भी दिया, प्रेम शुक्ला जी को भी जरूरत पड़ो तो मैं बिल्कुल अपनी बात से उनको, हाँ नहीं 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 सुनो ना, बात तो सुनो, भावना गवली जी के ऊपर आरोप हुए, उनकी इंक्वायरी चल रही थी, वो एब्सकॉन्ड हो गई थी, एब्सकॉन्ड होने के बाद उनको अरेस्ट कर देना चाहिए था, वो अरेस्ट होने के बजाय वो तो प्रधानमंत्री के घर में प्रकट होती है ना, तो ये लोकतंत्र है देश का, तो ये ईडी है, और ईडी का जितना आप कच्चा चिट्ठा निकालोगे 96% ईडी की रेड जो है वो विपक्ष के नेताओं पे हुई है, और जो उनके यहां चले गए वो पाक साफ हो गए धूल के निर्मा वॉशिंग पाउडर से, और जो नहीं गए वो जेल पहुंचा दिए गए। ठीक है, कौन सा वॉशिंग पाउडर है आप नाम मत लीजिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से उसका नाम पूछूंगा अतुल भाई, लेकिन एक बात बताइए, क्या 40 के 40 विधायकों के खिलाफ ईडी की जांच थी, क्या 13 के 13 सांसदों के खिलाफ ईडी की जांच थी, क्या वो दो सांसद जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, जो एकनाथ शिंदे को मनाने गए थे, बाद में शिंदे जी के साथ हो गए, क्या उनके खिलाफ भी ईडी की रेड थी, हाँ या ना, मैं जवाब दूंगा इसका। एक अंग्रेजी में कहावत है, राइटिंग ऑन द वॉल, रीडिंग द राइटिंग ऑन द वॉल, उन्होंने देखा होगा बिटवीन द लाइंस, बात सुनो, एक बात तो ऐसी भी चली, एक खबर ऐसी, चर्चा ऐसी भी थी कि इनवर्ड आउटवर्ड ने आवक जावक जो होता है ना नोटिस का, जो भी कोई भी जाता है दफ्तर से, कोई भी कागज बाहर जाता है उसका इनवर्ड आउटवर्ड, शिवसेना के कई विधायकों को ऐसे नोटिस दिए गए जिनका कोई आउटवर्ड इनवर्ड ही नहीं है। अब ये जो संस्थाओं का इस्तेमाल जो है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला सामने आया है। चलिए ठीक है, मेरा एक की बात, अभी संविधान की बात करता हूँ, एक सब बात एक साथ मत करिए ना, मैंने दुबे जी को बोला, प्रेम शुक्ला जी को भी यही बोला, अतुल लोंडे जी इतनी देर से बोल रहे हैं, हमारे प्रेम भाई को आप इतना प्रेम देंगे और हमको नहीं दोगे, अरे नाम ही प्रेम है उनका, आपका नाम आनंद है तो आपके साथ आनंद में रहूंगा, दो तीन चुटकियां भी लूंगा, जोक भी मारूंगा, अब आनंद है तो थोड़ा आनंद मुझे भी आना चाहिए ना आनंद भाई, नहीं मैं अतुल बात कर रहा हूँ, अतुल सॉरी अतुल भाई, आप तो अतुल नहीं है, फिर आपके लिए क्या बोला जाए, फिर मोल मत कीजिए ना, फिर मुझे बोलने दीजिए, अच्छा मैं फिर दूसरी बार आपको मौका दूंगा, मुझे परमेश्वर भाई के पास जाना है, सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करती है बीजेपी पार्टी, ठीक सवाल है अतुल भाई, गलत तो नहीं पूछा, हाँ बिल्कुल, ओ हेमंत बिस्वा शर्मा का भी पूछना, नहीं नहीं दोनों सबके पूछ लिए, कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करती है सबके लिए, नहीं नहीं आपने मुझसे पूछा या प्रेम शुक्ला जी से पूछा है, परमेश्वर भाई मैं बस इसके बाद सीधे आपके पास आ रहा हूँ, देखिए हमारे पास जो हमारे विचारों को स्वीकार करके शामिल होना चाहे पार्टी में उसका स्वागत है, अब इसमें हमारी पार्टी में जो शामिल नहीं हुए हैं उनको भी हमारी पार्टी में ढकेले दे रहे हैं, अब जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अब जो विविध जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जांच करती हैं, अगर अतुल लोंडे जी के पास इतनी जानकारियां हैं कि किसी किसी का नाम लेके बता रहे हैं कि उसके खिलाफ बहुत सबूत है, तो अतुल लोंडे जी अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, आपने आपके बाजू में रहते किरीट सोमैया जी उनसे ले लीजिए सबूत, उन्होंने कहा हमने नहीं कहा, सबूत उन्होंने लगाया, आरोप उन्होंने लगाया, सुन लीजिए ना, किरीट सोमैया की हर बात पर आपको विश्वास है,
किरीट हमको नहीं, हर बात पर आपको विश्वास है, तो आपको आधी एनसीपी बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं नहीं आपको कतई विश्वास नहीं, नहीं आप ही उद्धृत कर रहे हैं, कतई विश्वास नहीं है। नहीं नहीं सुन लीजिए ना, विश्वास है इनकम टैक्स, नहीं आप शब्द बिल्कुल विश्वास नहीं है ना, फिर सवाल क्या पैदा होता है? तो उनसे ले लो ना आप, उन्होंने ही दिया था ईडी को, हमने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बिल्कुल मुलुंड में रहते हैं, मेले पास वो मुलुंड रहते हैं। अरे अतुल भाई, अतुल भाई आपको नहीं टोका था, प्रेम शुक्ला जी खामोश थे, प्रेम जी अतुल भाई नहीं गलत जा रहा ना उनका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अतुल भाई आराम से, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई उत्तेजित नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत सारे आरोप कांग्रेस के नेताओं पे लगाए हैं, तो कांग्रेस के उन नेताओं को आप निकाल ही देंगे। श्रीमान उद्धव ठाकरे के संदर्भ में किरीट सुमैया के बहुत सारे आरोप हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनको विश्वास करते हुए आप उनसे एमवीए का गठबंधन तोड़ लेंगे, ये मान रहे हैं आप अतुल भाई? गलत, ये आपकी जो है सहूलियत की राजनीति चलेगी, सहूलियत की राजनीति चलेगी। और किरीट सुमैया ने अनिल परब के बारे में सबूत दिए, उन्होंने प्रताप शर्माई के बारे में कोई सबूत नहीं दिए थे। देखिए देखिए अब फिर आप बीच में दोनों की सम्मान करिए ना प्लीज, आपके वक्त कुछ नहीं बोले थे, फिर मैं लगातार इनके बीच में बोलूं, झूठ जा रहा ना, फिर इनके बीच में लगातार तू तू मैं क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे भाई श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जो है 420 की केस में, जो है 420 की केस में, आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप इतने ईमानदार है ना, 420 की केस में बेल पर है श्रीमती सोनिया गांधी, 420 की केस में बेल पर है, आप क्यों उस पार्टी में भाई? आप इसको प्लीज प्लीज क्यों उस पार्टी में जरा बताइए ना, दोनों सम्मानित लोग हैं, प्लीज दोनों का रिक्वेस्ट है, ईगो इशू ना बनाए, व्यक्तिगत भी ना हो। एक 420 पार्टी अध्यक्ष के साथ ये मैं बयान टोकूंगा आपको, आपने बीच में बोलना छोड़ दिया था, नेतृत्व क्यों स्वीकार रहे हैं बताइए तो, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है मैं सीधे चलता हूँ, प्रवक्ता शिवसेना के मेरे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर कदम साहब, परमेश्वर कदम साहब आपके ऊपर सीधा आरोप है कि आपने एमएलए और एमपी की पार्टी की चोरी कर ली है उद्धव ठाकरे से, मातोश्री से, राहुल लोंडे भी जी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ ऑडियो कनेक्ट होगा, फिर उनके पास भी जाऊं। सर जी देखिए आवाज आ रहा है आपको? जी बिल्कुल बोलिए। हेलो कैन यू लिसन मी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर जी क्या है देखिए, जब हम लोग हमारे जितने भी विधायक या जितने भी सांसद या जितने भी नगर सेवक हमारी पार्टी के साथ जुड़े वो ओरिजिनल शिवसैनिक है, और जब से महाविकास आघाड़ी बनी थी तब से सारे लोग शुरू में तो खुश थे, चलो बाबा ये परेशानी निकल जाएगी, लेकिन जब हम लोग महाविकास आघाड़ी में गए तो अगर किसी स्टेज पे महाविकास आघाड़ी का कार्यक्रम होता था तो वहाँ पे हमारे लोगों को गर्व से कहो है हिंदू है ये बोलने में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता थे उन लोग को अड़चन होती थी। आज शिवसेना के होने के बाद हम लोग गर्व से कहो है हम हिंदू है ये जो नारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था उसको भी कहने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ता था कि रुकना पड़ता था। दूसरी बात हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी हैं उनके नाम के आगे भी इन लोग की वजह से हिंदू हृदय सम्राट लगाना बंद कर दिया गया था इसलिए। और तीसरी बात और एक थी कि हमारे जो विधायक थे उनका काम होना चाहिए, उनके काम नहीं हो रहे थे, मुख्यमंत्री हम लोग का था, और अजीत पवार जी सारा का सारा फंड 80% फंड वो राष्ट्रवादी को दे रहे थे, हमारे विधायक को फंड नहीं मिल रहा था। और लोगों के जब काम नहीं होंगे तो जो लोग विधायक अपने अपने विधायकी के क्षेत्र में जाके मेहनत करके चुनाव जीत के आए हैं उनको वापस से फिर से जीतेंगे कैसे? हमारी शिवसेना जो उद्धव साहब के नेतृत्व में लड़ी थी वो 150 से ज्यादा सीट लड़ी थी, करीब 150 सीट लड़ी थी और 150 में से 55 जीत के आए, तो जो 55 जीत के आए उनकी खुद की भी ताकत है ना, सिर्फ पार्टी के भरोसे जीत के आए ऐसा बोलना गलत है, उनकी खुद की ताकत है, उनको सब समझ रहा था कि अगर हम लोग ऐसे ही रहे तो राष्ट्रवादी के 100 से ज्यादा विधायक जीत के आएंगे और हमारे जो 55 है उनमें से ही कम हो जाएंगे। ये एक अविश्वास पार्टी के ऊपर हो गया। ये सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जो मुख्य नेता है जो ओरिजिनल हिंदुत्ववादी नेता है एकनाथ शिंदे साहब ने उद्धव साहब के कान पे बार बार डाली और उसके बाद भी अगर बदल नहीं हुआ तो ये कदम उठाना पड़ा। आप ये सब बोल रहे हैं कि सिर्फ ईडी से हुआ तो चार आदमी का ईडी का केस, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर ईडी की सुनवाई चालू है, उनको गुनहगार नहीं बोल सकते, आरोपी बोल सकते हैं। ठीक है परमेश्वर जी यही रुकते हैं, आपने पॉइंटेड दो तीन चीजें बोली है कि एक तो गर्व से कहो हम हिंदू है ये नारा लगाकर कोई नहीं गया, शिवसेना कांग्रेस के नेता राजी नहीं थे। दूसरा आपने कहा, परमेश्वर जी रुक जाइए, दूसरा आपने कहा कि फंड जो है ज्यादा एनसीपी के विधायकों के पास जा रहा था। तीसरा आपने आरोप ये लगाया कि हमारी अनदेखी हो रही
रही है, ये बात बार बार उद्धव ठाकरे जी को कही गई, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो है एकनाथ शिंदे की बात नहीं सुनी, तो हम क्या कर सकते थे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, अतुल लोंडे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, परमेश्वर कदम जी एकनाथ शिंदे गुट वाली यानी अधिकृत शिवसेना के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, महेश चावन एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, तो राहुल लोंडे जी शिवसेना के नेता मेरे साथ हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूं, उससे पहले मैं अंकुर के पास चलता हूं, मेरे सहयोगी के पास। अंकुर, एक बहुत क्विक अपडेट आपसे चाहूंगा, वक्त मेरे पास कम है, आप मुझे बताइए कोई बड़ी खबर इस वक्त बैठक से अगर आ रही है तो। देखिए बिल्कुल नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है, अभिनंदन प्रस्ताव अभी यहाँ पर आया है, इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है थोड़ी देर के बाद ही अध्यक्ष पद या जिसको कहा जा रहा है नेता प्रमुख का जो प्रस्ताव है वो यहाँ से फ्लोट किया जाएगा, उसके बाद उसको एक्सेप्टेंस किया जाएगा यूनानिमसली, फिर एकनाथ शिंदे आगे नेता प्रमुख के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये भी प्रोसीजर अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन अभी तक अभिनंदन प्रस्ताव शुरू हो चुका है। मैं देखना चाह रहा था कि जो पीछे पोस्टर लगा है उसमें शिवसेना किस बैकग्राउंड के अंदर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है धनुष बाण तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वो पोस्टर अंकुर? देखिए मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर कई तरह के झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं, ये खास बात है, जो कफ परेड के पूरे इलाके में इस तरह का जो ऑथेंटिक जो झंडा हुआ करता था या जो पुरानी पहचान हुआ करती थी तीर कमान और जो शिवसेना का नाम लिखा हो उस वाले जो झंडों को यहाँ पर पूरे इस इलाके में यहाँ पर लगाया गया है, उस पहचान को एस्टेब्लिश करने के लिए जिसको कई सालों तक जो शिवसेना की पहचान रही है चुनावों के दौरान और चुनावों से के बाद भी, और अब उसको धारण कर लिया है एकनाथ शिंदे गुट ने ऑफिशियल तौर पर, जब उनको उसको इनका हक मिल गया है तो पूरे इलाके में जहां पर उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इस पूरे कफ परेड के इलाके में ये पुराना शिवसेना का नाम और पुराना शिवसेना का धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है उसको लगाया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का आदेश कह रहा है, ये नाम उनको दे दिया गया है। सीधे मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले महेश चावन जी, उसके बाद राहुल लोंडे जी के पास जाऊंगा। महेश चावन जी मुझे बताइए, आपके ऊपर आरोप लगे कि भाई सब फंड जो है वो अजीत पवार एनसीपी के एमएलए ले जाते थे, और आप कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा एकनाथ शिंदे जी के सहयोगियों को या शिवसेना के सहयोगियों को नहीं लगाने देते, कोई दिक्कत है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बहुत ज्यादा शिवसेना का नारा लगता है। दीपक जी अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फंड्स की बात हो रही है, जब ये अजीत पवार साहब ने विधि मंडल में बताया था जब ये सब डायवर्जन हुआ कि उन्होंने कितना फंड्स एकनाथ शिंदे जी को दिया था, एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे, उनको उन्होंने 12,000 करोड़ दिया था, ऐसे अजीत पवार साहब ने विधान मंडल की सभा में बताया था। दूसरी बात अगर आपको याद हो तो एमएलए के विधायकों के फंड जो 1 करोड़ हुआ करते थे वो 1 करोड़ से 5 करोड़ वो सिर्फ एनसीपी के या कांग्रेस के नहीं हुए थे, वो शिवसेना के भी हुए थे और बीजेपी के भी हुए थे। तो अगर ऐसा वो कर सकते हैं तो ये अभी शिवसेना जो शिंदे गुट की शिवसेना है वो ये कैसा कह सकती है कि अजीत पवार या एनसीपी इनको फंड नहीं देते थे। दूसरी बात क्या होता है ना कि अजीत पवार साहब ने ये भी कहा था कि जो फंड्स दिए जाते हैं जो उन्होंने दिए थे वो पार्टी के नाम से नहीं दिए थे, डिपार्टमेंट को दिए थे। बजट प्रेजेंट करने से पहले विधायकों ने उनका कॉन्क्रीट प्रपोजल वित्त मंत्री के सामने रखना होता है कि मुझे इतने फंड्स की जरूरत है, जिन्होंने जितने मांगे उतने फंड्स उनको दिए गए थे। अभी इनको ही दूसरा गुट निर्माण करना था, इसके लिए वो लोग चले गए, अभी वो ईडी के वजह से चले गए या और कुछ था उन्हीं को पता। और अभी आप जो गर्व से कहो हम हिंदू है की बात हो रही है, अभी जो शिवसेना मतलब शिंदे गुट के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, एनसीपी या कांग्रेस बिल्कुल इसके मामले में कुछ बात नहीं करना चाहेगी। पहली बात इनको ये जाननी होगी, क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, गर्व से कहो हम हिंदू है ये कहने में? नहीं नहीं क्यों कहेंगे वह मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत मत समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीपी और कांग्रेस ये क्यों कहेगी कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये आप मत बताओ, ये मत बोलो, ऐसे हम कभी नहीं बोलेंगे। अपने को एक बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि हम लोग ने ये महाविकास आघाड़ी फॉर्म की वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार फॉर्म की थी, वो किसी विचारधारा के अनुसार फॉर्म नहीं हुई थी, वो हिंदुत्व का नारा लेके चल रहे हैं इसके लिए हम लोग उनके साथ नहीं गए थे, या हम लोग सेक्युलर है, हम लोग संविधान को मानते हैं और उसको फॉलो करते, इसके लिए वो हमारे साथ नहीं आए थे।
तभी ये सिचुएशन पैदा हुई थी महाराष्ट्र में कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही थी, महाराष्ट्र को एक स्टेबल गवर्नमेंट देना था, इसलिए महाविकास आघाड़ी का फॉर्मेशन हुआ था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार चलाने के लिए। आपने क्लैरिटी के साथ अपने बात बताई, राहुल लोंडे जी क्या कहेंगे एक तो महेश भाई की बात पर, महेश श्रावण जी की बात पर, और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अब शिवसेना की महाराष्ट्र की बाकी प्रॉपर्टीज का क्या, क्या आप लोग क्लेम करेंगे, शाखाओं का क्या होगा, क्या आप लोग क्लेम करेंगे, अपने प्रतिनिधि वहां पर बिठाएंगे, और शिवसेना भवन का क्या? देखिए दीपक जी, मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ, जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात की कि जो पूर्व सरकार थी अजित पवार अर्थमंत्री थे, लेकिन जो वो दौर पे उद्धव ठाकरे जी ने जो 13 सांसद थे, 13 सांसदों का एक शिव संपर्क अभियान पूरे महाराष्ट्र में रखा था, उस अभियान में मैं सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के साथ भी मैं सहभागी हुआ था। महाराष्ट्र को जो ग्रामीण पट्टा है, ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया है, वहां पे हम शिव संपर्क अभियान में जब जाते थे, गांव में जाते थे, तालुका में जाते थे, शहर में जाते थे, वहां के जो शिवसैनिक है, तालुका प्रमुख है, शहर प्रमुख है, जिला प्रमुख रहने दो, वो इस अभियान में मीटिंग में रो रो कर अपनी बात बताते थे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के गद्दी पे उद्धव ठाकरे बैठे हैं। हमको लगा कि उद्धव ठाकरे बैठे तो हमारी जो मांगे है या हमारे ग्राम का विकास है वो पूरी तरह हो जाएगा, लेकिन अर्थमंत्री या अजित पवार थे जो हमारे परमेश्वर कदम ने बात की, ये तो मैं उसका सबूत हो, मैं खुद इस ग्रामीण पट्टा परभणी जिला रहने दो, लातूर या सातारा में मैं गया था, शिवसैनिक रो रहे थे, ग्राम पंचायत में सरपंच शिवसेना का है लेकिन जो पराभूत उम्मीदवार राष्ट्रवादी का था उसको अजित पवार बुला के मंत्रालय में 1 करोड़ देते थे, 10 करोड़ देते थे, लेकिन जो चुनके आया हुआ लोक प्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत सरपंच है उसको 1 लाख का निधि भी नहीं मिलता था। अगर जिले में जो डीपीडीसी फंड रहते, जिला नियोजन फंड बोलते हैं, वो जिल्ला नियोजन फंड में पंचायत समिति जो आपने पॉइंट क्लैरिटी के साथ रख लिया, मैं दूसरा बताता हूँ दीपक जी, दूसरा सवाल का जवाब दे दे। जो आपने कहा है कि जो प्रॉपर्टी है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमको मिले बाला साहब के विचार, ये संपत्ति वैचारिक संपत्ति जिसको मिली है ना वो बहुत बड़ा धनवान है, और हम खुद को धनवान मानते हैं कि हमें बाला साहब के विचार मिले हैं। हम ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 करोड़ 100 करोड़ या 150 करोड़, हमें उस पे दावा हमारा नहीं है, सबसे बड़े संपत्ति हमको मिली है जो विचारों की संपत्ति, ये तो बदनसीब है। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी या जो संजय राउत, ये सब बदनसीब है कि उनको संपत्ति बाला साहब के विचारों को नहीं मिली है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब रहने दो या 40 विधायक या 13 सांसद या हम जैसे कार्यकर्ता शिवसैनिक रहने दो, हमें खुशी है कि हमें ये शिवसेना भवन नहीं चाहिए, हमें लेकिन बाला साहब के विचारों की संपत्ति मिली है वो हमारे लिए काफी है। ठीक है, मैं सीधे आनंद दुबे जी के पास चलता हूँ। आनंद दुबे जी, एक बात कहना चाहूंगा लाइटर नोट पे कि आपका नाम आनंद है, थोड़ा आनंदित रहिए, इतने निराश और हताश मत होइए, चेहरे पर चमक लाइए भाई। राजनीति और जिंदगी में बहुत चलता रहता है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं आदमी को जिंदगी में, तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा विचारों की संपत्ति आपने खो दी, जो आपका मूल धन था क्या खो दिया शिवसेना ने, क्योंकि वो आप क्लेम कर रहे हैं इसको नहीं कि हमको प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, हमने तो विचार ले लिया, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, और राजनीति में विचार और प्रचार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या सवाल पूछा है दीपक भाई आपने, बहुत बढ़िया, आपका यह डिबेट अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया है। देखिए, अगर हम पर आरोप लग रहे हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, शिवसेना पार्टी जो उनके पास है उससे नाराज हैं, लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना को तबाह कर दिया, अगर ये सारी बातें मैं मानूं तो जो अंधेरी में अभी 2 महीना पहले उपचुनाव हुए थे उसमें तो हमारी जमानत जब्त होनी हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां तो उद्धव ठाकरे जी का नाम लेकर ऋतुजा ताई लटके जी ने 70,000 से ज्यादा वोट लिया। कमाल है, एक तरफ कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व तो छोड़ दिया, शिवसेना खत्म हो गई, दूसरी तरफ एक नए चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर अंधेरे को छाटते हुए उजाले की तरफ बढ़ते हुए एक शानदार जीत हमने हासिल की। अरे तो खिलाफ कौन खड़ा था ऋतुजा लटके जी के, ये भी बताइए ना, कौन सी पार्टी थी सामने, भाग गए। अरे चुनाव आयोग में कहा गया कि वहां पर एकनाथ शिंदे का गुट लड़ेगा, लेकिन चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जब कमर कसी और जैसे ही देखा कि जनता की नब्ज को कि हम तो बुरी तरह हार जाएंगे, चुनाव लड़ने से पहले ही सरेंडर कर गए। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक इतने बड़े डिबेट में कि नुकसान किसको हुआ है। उद्धव ठाकरे जी तो और ताकत से आगे मजबूत हो गए हैं,
आज मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आज डिक्लेयर करिए, 15 दिन के अंदर डिक्लेयर करिए। आपके राष्ट्रीय चैनल पे दावा करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता उद्धव ठाकरे जी के असली शिवसेना के साथ है, न कि कुछ 40 MLA और 12-13 सांसद, ये शिवसेना पार्टी असंभव, ऐसा हो अच्छा, नहीं सकता। आपने कहा आनंद जी बताइए, आपने कहा आपकी डिबेट जो है मंजिल की तरफ बढ़ गई है, मेरी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भाई, मेरी मंजिल मेरा दफ्तर है जहां मैं बैठा हुआ हूँ। आपकी मंजिल होगी शिवसेना की होगी सुप्रीम कोर्ट, मेरी मंजिल नहीं है भैया, और मुझे कोर्ट वोट जाना भी नहीं है। बड़ा दुख देते हैं ये कोर्ट वाले ना, घिस घिस के जिंदगी खत्म कर देते हैं। आनंद भाई, अब देखिए, अब आप मुस्कुराए ना, अभी पत्रकार है अब आप मुस्कुराए ना अतुल भाई, अब आप मुस्कुराए ना। अब देखिए से आपको सुनते हैं और दिल से बताता हूँ, हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। अरे आप ये बात बोलिएगा, बचपन से आपको देखता हूँ। नहीं नहीं, ये सबका डायलॉग होता, कोई बात नहीं, इसीलिए प्रेम शुक्ला जी के जाता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों ने शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की उसके सामने सरेंडर क्यों कर दिया चुनाव के अंदर? देखिए, अंधेरी उपचुनाव बारे में सबसे बड़ा यही मामला था कि एक एक शब्द पर वो टिकते थे, एक वचनी थे, और श्रीमान उद्धव ठाकरे के साथ संकट यही है कि पार्टी दोगलेपन की पराकाष्ठा करती है। श्रीमान उद्धव ठाकरे का स्वयं की प्रार्थना है, पत्र है कि भाई इस चुनाव में आप चूंकि रमेश लटके जी दिवंगत हुए हैं, आप कैंडिडेट मत खड़ा कीजिए। फिर राज ठाकरे का बयान है, फिर एकनाथ शिंदे ने प्रार्थना की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को वापस ले ले, ये सारे दल कह रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जो स्वयं कह रहे थे, बयान दे रहे थे, आनंद दुबे कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो जो है भाग गए, तो उद्धव ठाकरे तब झूठ बोल रहे थे कि बाद में झूठ बोल रहे थे? तो देखिए, विचारधारा से जो है विमुख होना, इसी को कहते हैं हिंदुत्व से विमुख होना। अभी जो NCP के प्रवक्ता कह रहे थे, गर्व से कहो हिंदू, हमको आपत्ति नहीं साहब, 1990 में चुनाव हुआ और हिंदुत्व के मुद्दे पर पहला चुनाव हुआ, शिवसेना की उसमें उतरी, घर उसे कौम हिंदू का नारा लगाया, 12 शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डिस्क्वालीफाई कराने की पेटिशन शरद पवार जी ने फाइल कराई। नितिन भाऊराव पाटिल वर्सेस मनोहर जोशी के मामले में हिंदुत्व का जो जजमेंट है, श्रीमान बाला साहब ठाकरे की 6 वर्षों की उनकी मतदान करने की जो अधिकार, मताधिकार था, वो छीन लिया गया। ये हिंदुत्व के नाते कांग्रेस और NCP ने किया था साहब। और आप कृपा करके मुझे बताइए, 1989 में जब रामशिला पूजन हुआ तो शिवसेना सक्रियता से भागीदारी हुई, पादुका पूजन में शिवसेना सक्रियता से थी, राम जन्मभूमि आंदोलन में शिवसेना सक्रियता से थी, राम मंदिर निर्माण के लिए जब फंड अभियान शुरू हुआ, सत्ता में होकर भी उद्धव जी ने 1 रुपया क्यों नहीं जो है आगे बढ़कर अभियान क्यों नहीं चलवाया, शिवसेना की शाखाओं में कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? अगर आप हिंदुत्व पे थे तो आपको महाराष्ट्र में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए जो आंदोलन था, जो आपकी मांग भी थी 2018 में, आप कह रहे थे पहले मंदिर फिर सरकार, उसके बाद साहब आप जो है राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं था, वह तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सहभागिता से शिवसेना वंचित क्यों हो गई? कृपा करके मुझे बता दीजिए। दो हजार उन्नीस में जब हमारी सरकार बनी नवंबर में, तो 7 मार्च 2020 को, मैं डेट के साथ कहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी, आदित्य ठाकरे जी और सभी बड़े छोटे नेता अयोध्या गए, श्री राम लला भगवान का दर्शन किए, वहां पे नतमस्तक हुए, गर्व से कहे कि हम हिंदू हैं, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, और आपके टेलीविजन पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता बैठे हैं, आप लाइव पूछ लीजिए क्या हमारे हिंदुत्व से उन्हें कोई दिक्कत है, वो भी यही कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी विचारधारा में रहिए, हम अपनी हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने का बीजेपी ने रखा है क्या? ये हिंदुत्व क्या होता है? बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले लोग हमें सिखाएंगे साहब, सिखाएंगे नहीं सिखा सकते, के चरणों में बैठने वाले सिखाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू आतंकवाद का बड़ा साहब ये भगवा, देखिए ये भगवा के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भगवा आप हिंदू के चारण हो गए हैं, आप नहीं पहने भगवा,
हमने पहना लोंडे और महेश चौहान इसका समर्थन करेंगे, खुलेआम करेंगे, इस टेलीविजन पे करेंगे। करिए भाइयों, करिए, दिखा दीजिए इनको, दिखाइए इनको, देखिए भगवा हमारे साथ है और हम भगवा को नहीं छोड़ सकते। ये प्रोपोगंडा, ये नैरेटिव बनाना बंद करिए। हम हिंदू हैं, हिंदू के लिए जान दे सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के चेले हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं, वो हमारे नेता हैं। आनंद दुबे जी, पालघर में जब दो भगवा पहने साधुओं की पीट पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, तो आपके मुख्यमंत्री जी की जुबान से एक शब्द क्यों नहीं निकला, बताइए? आपको दीपक भाई शायद याद नहीं, आपके रिपोर्टर अंकुर त्यागी जी से पूछिए, दोषियों को पकड़ा गया, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की गई, सबको जेल में डाला गया और इस कृत्य की हम सबने निंदा की थी। देखिए कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट किसी भी राज्य में घट सकता है, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन हमने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। वहाँ के उस समय के एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया और चेतावनी दी कि हमारे साधु संतों का अपमान कोई नहीं करेगा। मेरे पास अफसोस वक्त कितना है, मैं सब अपने मेहमानों से माफी मांगता हूँ जिनको कम वक्त मिला होगा, लेकिन चलते चलते मैं जरूर कहूंगा। वैसे भी अतुल जी ये आपकी सहयोगी पार्टी का अंदरूनी और दिल वाला मामला है, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा वक्त उनकी तरफ भी डिवोट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सर अभी तो बहुत वक्त बाकी है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप अतुल भाई? बोलिए। कहा था अफजल खान की फौज आई महाराष्ट्र में, क्या साथ में थे? प्रेम शुक्ला भाई ने कहा था, बीजेपी जब आई थी प्रचार करने महाराष्ट्र में, बोले अफजल खान की फौज आई है, मार के वापस भेजेंगे, ये प्रेम भाई ने कहा था बीजेपी के लिए। चलिए, चुनाव में बहुत बातें हो जाती है, आप भी बहुत बातें कहते होंगे, मैं भी बहुत बातें कहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत बातें नहीं करता हूँ, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलिए सोचिएगा जरूर। चलते चलते कसम संविधान की में हम बताते हैं कि आपके कुछ मुद्दे पर विचार करना चाहिए और हम आपके सामने फुट फॉर थॉट देके जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जिस परिवार के नाम पर, जुबान पर महाराष्ट्र की जनता खींची चली आती थी, जिस परिवार की बात महाराष्ट्र की एक बड़ी आबादी के लिए लखर पत्थर की लकीर की तरह थी, आज उनके खुद के ऊपर पहचान का संकट क्यों दिख रहा है, सोचिएगा जरूर। आज कसम संविधान की में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद डीएनए रोहित रंजन के साथ।